सारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। आपां पिछे कुछ दिनों तो आ टाइप्स पढ़ रहे हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन कढ़न वास्ते। वो टाइप पहली की सी आपां कि जिहड़ा क्यू आ एक्सपोनेंशियल पावर दे फॉर्म दा होवे इह किवें सॉल्व करना इह करिया सी आपां ने। टाइप सैकंड दे विच जे साइन कॉस दोनों वास्ते सेम सीगा, केस ऑफ फेलियर भी देखे सी आपां इहनां विच। ते लास्ट लैक्चर जे पढ़ी सी आपां टाइप थर्ड, जे अपने कोल पॉलीनोमियल इन एक्स होवे, पॉलीनोमियल हुंदा जिहदे विच एक्स दी पावर होल नंबर होवे, इह पहलां पढ़िया होया जी। इस लाई सी आपां ने बायनोमियल थ्योरम। हुण टाइप चौथी शुरू करनी है आपां। टाइप चौथी कोई अलग टाइप नहीं हैगी, वो इन्हां विचों ही आऊगी जिन्हों ये बच्चों ने तिने टाइप आउंदियां हैगियां चंगी तरह जी। टाइप फोर्थ बिल्कुल सेम यही चीज बनेगी इन्हां वांगू। वो किवें आ, बस थोड़ा फर्क आ टाइप फोर्थ दे विच। उस तो बाद टाइप फर्स्ट, टाइप सैकेंड, टाइप थर्ड यूज होणगी। वो किवें कह रहा, देखो टाइप थर्ड टाइप फोर्थ जो है इस फॉर्म की है, जिहड़ा क्यू है वह ई दी पावर अल्फा एक्स इंटू वी, वी दी फॉर्म का होगा। वेयर वी की है, वेयर वी इज यह साइन एक्स साइन अल्फा एक्स होगा जी, जां कॉस अल्फा एक्स होगा, जां की होगा यह पॉलीनोमियल इन एक्स जे पिछे किता, जां इत्थे साइन पिया होगा जी, जां इत्थे कॉस एक्स पिया होगा, कॉस अल्फा एक्स जो मर्जी होवे, जां इत्थे पॉलीनोमियल इन एक्स होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन जो मर्जी होवे। मतलब ई दे नाल गल ये बन गया, जे ध्यान नाल देखो, जे साइन होगा तां मतलब की बन गया, ई दी पावर अल्फा एक्स साइन अल्फा एक्स या जो भी एंगल, तो यह की बन गया, इहदे विच हो गया कि टाइप फर्स्ट अते टाइप सैकेंड मल्टीप्लाई च आ गई। जे टाइप फर्स्ट टाइप सैकेंड मल्टीप्लाई दे विच आ जावे तां ओह टाइप फोर विच कवर करांगे आपां, इहदे विच कवर होगी। सैकेंड पार्ट की है, जे कॉस होवे इहदे नाल कॉस पिया होवे इह भी टाइप सैकेंड ही है। टाइप फर्स्ट टाइप सैकेंड मल्टीप्लाई दे विच आ गई तां टाइप फोर विच कवर होगी जी। अते ई दी पावर अल्फा एक्स पॉलीनोमियल होवे तां ए बन गया टाइप फर्स्ट अते टाइप थर्ड, जे ए मल्टीप्लाई दे विच होवे तां भी इह टाइप फोर विच कवर होएगी। ए बच्चे जिहड़े पैटर्न नूं ध्यान च होगा कि मल्टीप्लाई आपां अलग अलग नहीं कर सकते हैगे जी। मल्टीप्लाई दे विच इदां नहीं है कि तुसीं इहनूं अलग कर दोगे इह अलग कर दो, मल्टीप्लाई च अलग अलग नहीं हुंदा, हुंदा हैगा प्लस माइनस अलग अलग हुंदा। जिहड़े बच्चे पढ़ रहे होणगे पता होगा जी। फिर ये करना किवें आ, इहदे विच होगा जेड़ा वाई पी हैगा इदा करते आ रहे हैं आप, एफ ऑफ डी इदा क्यों लिख रहे हैं, एफ ऑफ डी ए क्यू की वैल्यू भरती ई दी पावर अल्फा एक्स इंटू वी। मैं गल कर रहा जी कि मल्टीप्लाई च आ क्वांटिटी ए अलग अलग नहीं कर सकते, पहले दसा लैक्चर जी प्लस हो माइनस हो फिर अलग अलग कर सकते। फिर इस की होगा ये टाइप फोर च कवर होगा, ये टाइप फोर कहती की है ध्यान दो, सिंपल जहा कंसैप्ट आ। टाइप फोर कहती हैगी कि इनू बहर कड़ लेना, टाइप फोर कहती है प्रूफ नहीं कर रहे, प्रूफ नहीं है, टाइप फोर कहती है बहर कड़ लेना। जदों तुसी बहर कड़ लिया तां डी दी थां ते डी प्लस अल्फा भरना, मतलब डी दी डी नू आपां रिप्लेस करना डी प्लस अल्फा च, जिथे भी उरे डी होगा उहदी थां ते डी प्लस अल्फा भर देवांगे। जे बाहर निकल गया पिछे वी रह जाएगा। यह किवें करना आपां हुण क्वेश्चन करांगे लग जू पता। उस तो बाद यह तां बाहर निकल गया, कोई लोड़ नहीं हैगी। हुण आ क्वेश्चन बन जाएगा, हुण आ क्वेश्चन की है, जां तां उरे साइन होगा टाइप थर्ड बनेगी सैकेंड सॉरी, जां उरे की होगा पॉलीनोमियल इन एक्स वो टाइप थर्ड बनेगी, फिर टाइप सैकेंड या टाइप थर्ड ही यूज होगी। बस ये बाहर कटना आपां, उस तो बाद जिहनूं टाइप सैकेंड ते टाइप थर्ड आउंदी हैगी आ बाकी काम सारा पुराना हैगा। यह टाइप फोर सीगी जी, ये समझाने वास्ते थोड़ी जी ये बाहर किवें कटना होंदा कन्वर्ट किवें करना होंदा मैं क्वेश्चन करवा रहा, वो क्वेश्चन तुसीं देख लो। पहला कर रही आपां फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जी,
ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई, इतने टू है जी इतने फोर, इक्वल्स टू ई दी पावर एक्स कॉस एक्स। नौवीं है वाई सी नहीं कढ़वा रहे, वाई सी नहीं कढ़वा रहे, वाई पी कढ़वा रहे, जिथे अपने कोल ई दे नाल साइन कॉस आ जाए जाए एक्स की पावर आ जाए पॉलीनोमियल आ जाए उसे टाइप फोर लानी है अपन। मैं कला वाई पी कढ़वा रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी आ वाली वाई पी कढ़िया वाई सी कढ़ लियो जेडे बच्चे प्रॉपर मेहनत नहीं कर रहे है रेगुलर काम नहीं कर रहे पेपर च किवें कंफ्यूज हो गए इन्हों कला कला कर दांगे कला कला किवें इन्हों अलग करता जी। मैं जेड़ा बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है रेगुलर काम कर रहा है उन्होंने ही कंसैप्ट प्रॉपर ध्यान च रहेंगे कि इदा क्यों नहीं कर सकते ये क्यों नहीं कर सकते। मैं मतलब तुम्हें क्वेश्चन पुट कर रहा इदा लगला क्यों नहीं कर सकते है हम तुम आप दिलो थो जवाब आ रहा कि नहीं आ रहा पहला पढ़िया हुआ अपना क्यों अलग अलग नहीं कर सकते जिन्होंने जवाब आ रहा मतलब ठीक है मोस्टली जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा उन्होंने पता होगी अलग अलग क्यों नहीं कर सकते। मैं दस दिन आंसर की है अलग अलग क्यों नहीं कर सकते पिछले पढ़िया हुआ अपने ये टर्म इंटीग्रेशन वांग बिहेव कर दी है मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं कर सकते इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होंगे फार्मूला मल्टीप्लाई आप इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं कर सकते प्लस वास्ते अलग अलग कर सकते हैं माइनस वास्ते कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई वास्ते अलग अलग नहीं होंगी हैगी और वास्ते इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला किया पर ये कोई फॉर्मूला नहीं है मल्टीप्लाई वास्ते। चलो देखो इदा नहीं होना जी फिर एक गल ध्यान रखनी हैगी सिंपल जी गल जे मान लो अज मैं एक कंसैप्ट करवाया रोज मैं एक टाइप करवा रहा मैं टाइप वध नहीं करवा रहा कि बच्चे नाल हॉलीडे काम भी करी जाए जे काम कंप्लीट होगा नाल समझ आऊगा तो सिर्फ एक बच्चा ही काम भेज रहा पूरी क्लास के रेगुलर जो बराबर चल रहा है जो पिछे चल रहे है तो उम्मीद उन्होंने प्रॉपर समझ नहीं आना है जिमें अज पहला कंसैप्ट कराता दूजा कल दूजा कराता परसों तीजा कंसैप्ट हो गया चौथा कंसैप्ट हो गया तो तीह लैक्चर तीह कंसैप्ट आ जाएंगे इदा ला लो मोटा हिसाब जे रोज आप एक ही कंसैप्ट कर रहे हैं तो तीह लैक्चर तीह कंसैप्ट आ गए मोटा हिसाब तो वा जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उन्होंने पता हो कि कंसैप्ट कितने लाना कितने नहीं लाना तो जोड़ा बच्चा रोज पांच पांच कंसैप्ट पढ़ रहा होगा रेगुलर नहीं पढ़ रहा होगा पांच दिन का काम कट्ठा कर रहा होगा जोड़ा बच्चा तो वह जो पांच कंसैप्ट कट्ठे करेगा पक्का कन्फ्यूज होगा ही होगा कि कंसैप्ट कितने लाना तो उन्होंने समझ नहीं आने कट्ठे समझ नहीं आने है इस करके जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा उन्होंने कंसैप्ट प्रॉपर समझाएंगे कि कंसैप्ट किवें है यही फर्क है जी रेगुलर मेहनत करनी बड़ी औखी है तो ही गल कहने कि जोड़ा बच्चा रेगुलर मेहनत करेगा जी वो नंबर रेगुलर मेहनत कर रहे हैं प्लस प्रॉपर रिविजन होने गल हो रही नंबर वधिया आने रेगुलर मेहनत कर रहा चंगी गल जो प्रॉपर नोट्स नहीं बने तो प्रॉपर रिविजन नहीं होनी जो प्रॉपर रिविजन नहीं होनी हैगी फिर वो नंबर वधे नहीं आने है ये तो ही गल आ कि रेगुलर मेहनत कहनी सौखी है करनी बड़ी औखी है ये तो ही गल आ कि पूरी क्लास के एक या दो बच्चे ही सिंसियर निकलते हैं जे मान लो क्लास पंजाह की भी हो सिर्फ दो तीन बच्चे ही होंगे है जो पढ़ने वाले होंगे प्रॉपर क्योंकि रेगुलरिटी बनानी बड़ी औखी है तो वह दो तीन बच्चे ही फिर अगे उस सब्जैक्ट जो सब्जैक्ट रेगुलरिटी बनाई हुई है उन्होंने उस सब्जैक्ट अगे निकलते हैं। सो देखो हूँ रेगुलरिटी कहना बड़ा सौखा है सारे बच्चे चाहते हैं कि साढ़े नंबर चंगे आन हर एक ही चाहता कि साढ़े नंबर चंगे आ नंबर साढ़े वधिया आ ते नंबर वधिया ता नंबर चंगे तो आएंगे जो रेगुलरिटी बनेगी तुम देखो जो तुहाडा काम हुण तक बिल्कुल बराबर चल रहा है फिर तुम मान सकते हो कि थोड़े नंबर चंगे आने पर प्रॉपर नंबर चंगे तो आने जो सारा काम रेगुलर होगा जिन्ना आप काम कर रहे हो सारा काम रेगुलर होगा। सो देखो मतलब जे नंबर घट आए है बाय चांस
तो एक गल ध्यान रखियो कि नंबर घट क्यों आए ए नहीं पेपर औखा आया कि असी उस हिसाब मेहनत की है तुम ये गल चैक कर लियो मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक बच्चा ही मेहनत कर रहा है प्रॉपर जो बराबर चल रहा है बाकी तुम भी ना काम करोगे तो मतलब कि जे प्रॉपर मेहनत होगी तो नंबर प्रॉपर आवगे जी तो देखो आ बन गया अपने को जी हूँ टाइप किमें कहा सी आपां जे मल्टीप्लाई होवे तां इहनू बाहर कढ लैणा आपां चलो कढ लिया बाहर किमें कटना बाहर फॉर्मूला की हैगा वाई पी इज इक्वल टू एफ ऑफ डी ई दी पावर अल्फा एक्स कॉस जो भी है मान लो इतने कॉस एक्स पा लो चलो कोई फर्क नहीं पैदा इनू बाहर कढ़ांगे आपां तां डी नू किहदे विच रिप्लेस करना डी नू आपां रिप्लेस करना है डी प्लस अल्फा च मतलब पहला आपां अल्फा डिसाइड करना पैना कि अल्फा कितना इस केस अल्फा जो है वह वन जी अल्फा वन है तो साइड से पा लेना डी नू आपां किहदे च रिप्लेस करना डी प्लस वन च तां की करना इत्थे ई दी पावर अल्फा एक्स बाहर आ गया तो डी की थां ते आपां डी प्लस अल्फा भरिया सी इहदे च उरे फिर डी की थां ते आपां डी प्लस वन भरांगे जिथे भी डी है उत्थे डी प्लस वन भर देना बस यही अपनी टाइप फोर टाइप फोर सिर्फ ये कहती है बाकी इस तो बाद सॉल्व करांगे ये सारी जो है ये टाइप सैकेंड बन गई हूँ टाइप सैकेंड किवें सॉल्व करने जो बच्चे आता होगा पता होगा जी ये आ गया ई दी पावर एक्स अपॉन ए आ गया डी स्केयर प्लस वन प्लस टू डी माइनस टू प्लस फोर कॉस एक्स पहले ना सॉल्व करना ही सारा जिन्ना आता ये कट गया कुछ डी स्केयर प्लस थ्री हो गया जी ई दी पावर एक्स अपॉन डी स्केयर प्लस थ्री कॉस एक्स ये हुण इहदा कुछ नहीं करना जिहड़े बच्चे पढ़ रहे होंगे पता होगा जी ये तो बाहर आ इहदा कुछ नहीं करना इहदा हुण करना ये टाइप जो हैगी आ सैकेंड डी स्केयर नूं रिप्लेस करांगे माइनस ए स्केयर दे विच इस की करांगे फिर आपां डी स्केयर नूं भरांगे माइनस ए स्केयर ये भरिया जी इहदे विच ये आ गया e दी पावर x वन अपॉन माइनस वन प्लस थ्री कॉस एक्स e दी पावर x कॉस x अपॉन टू जो भी आ गया आंसर ये वाई पी आया वाई सी उसी कटिया होगा तो वाई सी प्लस वाई पी कर देंगे आंसर बस ये टाइप फोर्थ है जी बस ये बाहर कढ़ना रिप्लेस करना आपां ने रिप्लेस करने तो बाद जे उहदे कॉस साइन आ गया टाइप थर्ड बन जाए सैकेंड बन जाएगी जे पॉलीनोमियल आ गया टाइप थर्ड बन जाएगी चलो वैसे टाइप फोर तो है नहीं की है थोड़ी प्रैक्टिस वास्ते मैं दो क्वेश्चन होर करवाने दो क्वेश्चन होर करांगे जी आपां जो क्वेश्चन कर रहे हैं देखो जी ये फर्स्ट क्वेश्चन है जी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस थ्री डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्केयर ई दी पावर एक्स ए मल्टीप्लाई च आ गया जी ए टाइप फोर बन गई तो यदि सिंबोलिक फॉर्म बनाई डी क्यूब थ्री डी प्लस टू वाई एक्स स्केयर ई दी पावर एक्स ए चो कल वाई पी कट रहे आप जी वन अपॉन डी क्यूब माइनस थ्री डी प्लस टू एक्स स्केयर ई दी पावर एक्स आ गए हुण टाइप फोर से बाहर कढ़ना आपां ने अल्फा किन्ना रे वन तां डी नूं आपां किहदे विच रिप्लेस करना हैगा डी प्लस वन च तां सारे किते आपां ये बाहर कढ़ लो जी डी प्लस वन कर लिया
ए डी प्लस वन कर लिया, ए टू कर लिया, ए एक्स स्केयर आ गया। हुण अगे लावांगे इस तों बाद बाकी इहदा अगे सोल्व ही करना, पहला इहनूं सोल्व कर लेना जी। ए सोल्व करके फिर ये टाइप थर्ड बन जाएगी, ए च लावांगे आपां बायनोमियल। तो देखो जी ए आ गया ई दी पावर एक्स वन अपॉन ए क्यूब प्लस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी स्केयर प्लस बी क्यूब माइनस थ्री डी माइनस थ्री प्लस टू। तो जो भी आगा सॉल्व कर लेना। तो ये कट गया आपस, ये भी कट गई। ए आ गया ई दी पावर एक्स वन अपॉन डी क्यूब प्लस थ्री डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखो जी उन्हें टाइप बन गई अपने को थर्ड, ये लानी है बायनोमियल। हुण जिहनूं पता होगा टाइप थर्ड किवें लानी हुंदी है, बायनोमियल दे फॉर्मूले किते सी आपां ने, चार चार टाइप चार फॉर्म बनाईए सी बायनोमियल दे फॉर्मूले दी। उस वन चाहिए होंगे, वन किवें कहा सी जिहदी पावर छोटी होगी डी दी वह सारी टर्म बाहर कटनी है। ये सारी टर्म इदा बाहर निकल गई, अंदर की बच गया इहदा वन आ गया, यह आ गया डी अपॉन थ्री। उस तो बाद यह टर्म चाके उपर लैके जानी होंगी अपन e दी पावर एक्स वन अपॉन थ्री डी स्केयर वन अपॉन डी प्लस थ्री दी पावर माइनस वन एक्स स्केयर। तो e दी पावर एक्स वन अपॉन थ्री डी स्केयर। हुण इहदे टर्म्स किन्नियां फुल नहीं आउंदे दस्सिया सीगा, जिन्नी हाईएसट पावर आ उन्नियां, हाईएसट पावर टू आ तां उन्नियां टर्म्स फुल नहीं आ। हुण इह जिन्हें समझ के काम चलाया होगा ना समझ आ जाऊगा कि टर्मां दो क्यों फुलनियां, तीन क्यों नहीं फुलनियां। तीन में डेरीवेटिव तीन बारी आ जाऊगा, जे पावर तो वध वारी आपां डेरीवेटिव करांगे उह जीरो हो जाएगा, इस करके आपां दो फुलनी है। इहदा फॉर्मूला की सीगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, ये बनाया सी बाय नूं ला के ये फॉर्मूला जी। वन माइनस एक्स आऊगा पहला, फिर एक्स स्केयर आऊगा, फिर माइनस वन चली जाऊगा। टर्मा सिर्फ दो स्केयर तक चाहिए आप, स्केयर तक ही चाहिए। ए आ जाएगा थ्री डी स्केयर, हमने कर लेने ये मल्टीप्लाई कर दो जी, ये एक्स स्केयर आ गया, इनू मल्टीप्लाई किया डेरीवेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा टू एक्स बाय थ्री, ए डी स्केयर आ डबल डेरीवेटिव, डबल डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्केयर कितना आ गया टू अपॉन नाइन। अगे लोड नहीं पाती वह सारे जीरो हो जाएंगे। ये आ जाएगा, ये गल समझ के करनी आ कि अगे सौन क्यों नहीं पा रहे, इतने का सौन हैगा, इतने सौन क्यों नहीं पाया, ये ता नहीं पा रहे बिकॉज अगे सारे जीरो होंगे। लास्ट लैक्चर दस्या सीगा जे जीरो होंगे इतने सौन नहीं पाना, आप बस ये खत्म हो जाएगा। जे पाना हैगा तो प्लस जीरो पा के सौन पा दो, लास्ट लैक्चर किया अपने ये गल् समझने वाली गल् सारियाँ कि इतने इतने किवें किया उत्थे किवें किया अपने। इस तो बाद हुणे पहली वारी आया डी स्केयर, नहीं तो हर वारी डी आता हूँ, एक प्रॉब्लम नहीं हैगी। ये डी स्केयर का मतलब हो गया कि वन अपॉन डी स्केयर, दो बार इंटीग्रेशन करनी है। पहला एक बार इंटीग्रेशन की देखो जी, आ थ्री एक बार इंटीग्रेशन करा, एक रह गया इंटीग्रेशन, एक होगी वो कर रहे हैं आप कि आऊगी एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय सिक्स प्लस टू एक्स बाय नाइन, एक बार इंटीग्रेशन होगी। हूँ दोबारा फिर इंटीग्रेशन कर दो, एक गल समझ आ गई होनी। डी डी दो बारी सीगा, एक बार इंटीग्रेशन करती एक डी खत्म हो गया, इंटीग्रेशन करके एक डी बच गया, ये भी हम इंटीग्रेशन करके खत्म कर देंगे। ये आऊगा एक्स फोर बाय ट्वेल्व माइनस एक्स क्यूब बाय नाइन, ये आऊगा एक्स स्क्वायर बाय नाइन, और टू टू कैंसल हो जाएगा, बाकी जो आ गया वो आंसर। ये वाई पी कढ़िया आपने, फिर वाई सी प्लस वाई पी कर देंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। एक होर देखना अपन अमेरिकल,
ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 7th ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 7 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਹੈਗਾ d ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ d ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9d ਪਲੱਸ 9 y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ x x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ cos 2 ਇਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ yp ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ yp ਆ ਗਿਆ 1 ਅਪੋਨ d ਕਿਊਬ d ਸਕੁਅਰ 9d ਪਲੱਸ 9 e ਦੀ ਪਾਵਰ x x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ cos 2x x ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ cos ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਈਪ 3rd ਆ ਗਈ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ d ਨੂੰ ਕਿਹ ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰੇ 1 ਤਾਂ d ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਜਿਹੜੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ d ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ d ਪਲੱਸ 2 ਚ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ d ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ d ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9d ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 9 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ cos 2 ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪਾਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਟਰਮ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਟਾਈਪ 3rd ਆ ਇਹ ਟਾਈਪ 2nd ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ e ਦੀ ਪਾਵਰ x 1 ਅਪੋਨ a ਕਿਊਬ 3ab ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 3a ਸਕੁਅਰ b ਪਲੱਸ 3ab ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ d ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਖੋਲਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਖੋਲਤਾ ਮਾਈਨਸ 9d ਮਾਈਨਸ 9 ਪਲੱਸ 9 ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ cos 2x ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 9 ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ x 1 ਅਪੋਨ d ਕਿਊਬ 2d ਸਕੁਅਰ 3 ਚੋਂ 11 8d ਮਾਈਨਸ 8d x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ cos 2x d ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 2d ਸਕੁਅਰ ਹਾਂ 11 ਚੋਂ 3 ਗਏ 8 ਮਾਈਨਸ 80 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ ਡੀ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 8d ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਪਲੱਸ d ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2d ਬਾਏ ਮਾਈਨਸ 8 ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ x 1 ਅਪੋਨ ਜੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ 4 'ਚ ਡੀ ਕਿਊਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੀ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 4d ਇਹ ਮਾਈਨਸ 4 ਭਰਿਆ ਮਾਈਨਸ 8 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 8d ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਸ 2x ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ x 1 ਅਪੋਨ ਮਾਈਨਸ 8d ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਮੈਂ ਟਰਮਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਅਰ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ 1 ਪਲੱਸ d ਸਕੀਅਰ ਪਲੱਸ 2d ਬਾਏ 8
प्लस डी स्केयर प्लस टू डी बाय एट का होल स्केयर सोन चली जाएगा ए नाल एक्स स्केयर ये माइनस ट्वेल्व डी फोर कॉमन कर लिया अपने बाकी सॉल्व कर रहे हो चेक कर ली ए फोर कॉमन कर लिया नीचों कितना बनेगा जी ये थ्री डी प्लस टू इनू आप फिर थ्री डी माइनस टू ना मल्टीप्लाई डिवाइड करता ध्यान रखना मैं दोबारा दोबारा कह रहा जी यह रैशनलाइजिंग नहीं हैगी रैशनलाइजिंग नहीं हैगी ये क्यों नहीं हैगी लैक्चर तुम दस्या लैक्चर अकॉर्डिंग रैशनलाइजिंग नहीं हैगी ये सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कहना अपना लैक्चर पहले वीडियो लैक्चर बनाया है जी बेसिक कंसैप्ट वाला वो देख लियो जे नहीं देखा है हुण इहदे विच देखो ध्यान ई दी पावर एक्स माइनस एट का बार पा लो माइनस आह ए वन पॉइंट ई है माइनस एट का आप इधर पा लो हुण ये टर्म खोल रहे हैं जी वन प्लस डी स्केयर प्लस टू डी बाय एट ये तो आ गया जी स्केयर खोलेंगे डी दी पावर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए भी होगा ए स्केयर करांगे डी दी पावर चार नहीं चाहिए वड्डी होगी बी स्केयर करांगे डी स्केयर ये चाहिए अपन जे डेरीवेटिव की पावर वड्डी होगी इस नालों जीरो हो जाऊगा सर लोड नहीं हैगी डेरीवेटिव पावर घट आए इस तो जब बराबर आए तो बी स्केयर लवेंगे आप बी स्केयर कितना बनेगा फोर डी स्केयर आ गया जी जे टू ए बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी करा फिर डी क्यू बन जाएगा वड्डा कोई लोड़ नहीं हैगी नीचे स्केयर किया कि आ गया सिक्सटी फोर और टर्मा सारिया सोन के पा दी सोन के पा दी टर्मा चलो देखो ये हो गया अनाला भी पिया जी माइनस ई दी पावर एक्स अपॉन फोर ए बन जाएगा थ्री डी माइनस टू अपॉन नाइन डी स्केयर माइनस फोर कॉस टू एक्स ए आ गया इस तो बाद ये बस मल्टीप्लाई कर लो जी ये आ गया e दी पावर x अपॉन एट वन अपॉन डी ये एक्स केयर आ गया ये कितना हो गया डबल डेरिवेटिव किता एक्स केयर टू बन जाएगा सिंगल डेरिवेटिव किता टू एक्स ये कट दो सिक्सटीन डबल डेरिवेटिव किता टू आ जाएगा बाकी लोड नहीं पा दी सोन नहीं पा रहे बिकॉज सारे जीरो होंगे जीरो पाने का फर्क नहीं पैना तो ही आ गया सर ये पहला आ गया ये डी स्केयर कि भरा आप माइनस फोर माइनस थर्टी सिक्स माइनस फोर्टी माइनस माइनस प्लस फोर्टी फोर का वन सिक्सटी ये आ गया ई दी पावर एक्स अपॉन वन सिक्सटी इन मल्टीप्लाई कर लो कारण डेरीवेटिव ऑफ कॉस किया आपने माइनस सिक्स साइन टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स डेरीवेटिव कॉस टू एक्स आ गया माइनस टू साइन टू एक्स टू थ्री का सिक्स आ गया ये हो गया इनू पहला सॉल्व कर लाँगे बाद चो इंटीग्रेशन कर लेंगे सॉल्व किवें करना इनू कल्ला कल्ला कर लो देखो ए आ गया एक्स स्केयर दूजा आ गया एक्स स्केयर एक्स बाय टू चेक कर लो ठीक है जी ए टर्म तो आह आ गई मैं टर्म आह पाई है कल कितनी है जी ये फोर एक्स बाय एट एक्स बाय टू हो जाएगी हूँ देखियो ध्यान नाल जी यह टर्म वन बाय एट यह टर्म टू बाय एट टू बाय एट प्लस वन बाय एट ये थ्री बाय एट हो जाएगा क्योंकि इदा अलग अलग रखांगे ता ही इंटीग्रेशन होगी तो अलग अलग कर लिया ये कॉमन निकलता टू वो कैंसल कर दो जी माइनस भी कर लो बाहर टू कैंसल करता अपन ये आ गया थ्री साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स बस ये इंटीग्रेशन कर लो ई दी पावर एक्स बाय एट ए आ गया एक्स क्यूब बाय थ्री एक्स स्क्वायर बाय फोर थ्री बाय एट एक्स माइनस ई दी एक्स बाय एटी थ्री साइन टू एक्स कॉस टू एक्स तो बाकी तो काम सॉल्व ही किया कला ये जो आ गया आंसर है जी ए वाई पी कटे अपने
वाई सी कढ़िया होगा पहला असी वाई सी प्लस वाई पी एड कर देवे जो आ गया आंसर है जी। चलो ठीक है जी ये काम कर लियो जी। इस तो बार एक टाइप हो रहा है जी टाइप ओवरऑल पांच सी पांच ने चार हो गए एक टाइप आप नैक्सट लैक्चर करा जी कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लियो जी। थैंक यू।